21 अगस्त को दुरान कप ग्रुप डी का एक बहुत बड़ा मैच खेला जाएगा इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में। वो मैच है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बनाम एफसी गोवा। एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस मैच के बारे में, क्या होने वाला है इन दोनों टीमों का प्लान, सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक स्पोर्टलिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके साथ में जरूर बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। देखिए दुरान कप ग्रुप डी के मैच 20 अगस्त को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बनाम एफसी गोवा के बीच में एक बहुत बड़ा मैच खेला जाएगा। देखिए इससे पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने तो शिलोंग लाजंग के खिलाफ एक बहुत बड़ा जीत हासिल किया है, लेकिन इस मैच में जो एफसी गोवा के अगेंस्ट खेलने वाला है उस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और जुआन पेड्रो बेनाली टेस्ट होने वाला है, क्योंकि एफसी गोवा एक बहुत बड़ा स्क्वाड लेके आने वाला है गुवाहाटी। देखिए इससे पहले मैंने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और एफसी गोवा के स्क्वाड के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, तब आप सभी को पता चलेगा इन दोनों टीमों के स्क्वाड के बारे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देखिए उस वीडियो को। देखिए अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्क्वाड के कंपैरिजन में एफसी गोवा का स्क्वाड बहुत बड़ा है, और इससे पहले जो एफसी गोवा का हेड कोच है मानालो, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हेड कोच है। एक दफ़ा उन्होंने ISL चैंपियंस भी रहा है और सेमीफाइनल हर साल में उनको सेमीफाइनल के स्पॉट मिला है सिर्फ एक सीजन को छोड़कर। देखिए बहुत बड़ा हेड कोच है, डिफेंसिव भी अच्छा है इनका और अटैकिंग लाइन भी अच्छा है। अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस मैच में ज़रूर टेस्ट होने वाला है। कैसा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का स्क्वाड, कैसा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का प्लान, क्या है जुआन पेड्रो बेनाली का प्लान, ये सभी पता चलेगा हमें 20 अगस्त को। एक बहुत बड़ा वार होने वाला है इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में। देखिए एफसी गोवा का स्क्वाड संदे जिंगन है, नोहा, उदंता सिंह, ब्रेंडन फर्नांडिस, धीराज सिंह, बहुत पारा स्क्वाड है, एक्सपीरियंस स्क्वाड है एफसी गोवा के पास। देखिए ओडे, इन्होंने तो चैंपियनशिप बना है और एक बहुत बड़ा स्क्वाड है। अगर उस स्क्वाड के तुलना में अगर हम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का स्क्वाड देखें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्क्वाड में एक भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वार चलने वाला है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एफसी गोवा के अगेंस्ट जो मैच खेलेगा उसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टेस्ट होने वाला है। हमें पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी नेक्स्ट क्या करने वाला है। देखिए अगर इसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अगर किसी तरह से एफसी गोवा को रोक पाएगा तो हमें पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस बार ISL में बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि अगर एफसी गोवा को टीम को रोकेगा तो हमें पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का भी स्क्वाड बहुत ही जबरदस्त है और डिफेंसिव लाइन हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा इस मैच में, क्योंकि एफसी गोवा मान लो हमें पता ही है कितना स्ट्रॉन्ग है उनका अटैकिंग लाइन, कितना अटैकिंग खेल खेलता है, तो हमें पता चलेगा कि इस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का डिफेंसिव कितना स्ट्रॉन्ग है। इस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का डिफेंस लाइन मिचेल जाबा को, गौरव बोरा, डेनिस सिंह, खासकर मिचात मिशु काफ़ी बिजी रहने वाला है, और इस मैच में शायद इप्सन मेला और नेस्टर भी खेलेगा, क्योंकि खेलना ही पड़ेगा क्योंकि अगर एफसी गोवा को हराना है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी शिलोंग लाजंग के खिलाफ जो अटैकिंग लाइन खिलाया था उसे खिलाएगा तो एफसी गोवा को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टक्कर का मुकाबला नहीं देख पाएगा, क्योंकि एफसी गोवा का डिफेंस लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओडे है, धीराज सिंह गोलकीपर में, संदे जिंगन जैसे प्लेयर है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस स्क्वाड है। तो आपको क्या लगता है क्या होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का हालात इस मैच में, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कौन जीतने वाला है 12 अगस्त को, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी या एफसी गोवा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।